सो हे गाइस, वेलकम टू दी रैश का स्वागत है आपका इस एक और नए वीडियो में। तो गाइस, जितना ज़्यादा हाइप कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा या फिर जवान का ट्रेलर कब आएगा, उतना ज़्यादा हाइप इन लोगों ने नहीं बनाया होगा जितना हाइप फिलहाल मार्केट में एक बाइक के रिलेटेड बहुत ज़्यादा बना हुआ है, जो कि है ट्रायम्फ की स्पीड 400। इस बाइक से रिलेटेड जो हाइप मची हुई है वो है कि इस बाइक की जो प्राइस है वो क्या है, इसकी जो डिलीवरी है वो कब तक स्टार्ट होगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इस बाइक के रिगार्डिंग, लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। तो आप लोगों के द्वारा ही जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सभी के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, और होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं इस बाइक से रिलेटेड सारे खत्म हो जाने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, हो सकता है आपका भी जो डाउट है वो भी इस वीडियो में शामिल हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट ऐसे समझ लो हर किसी को इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है डाउट है वो है इस बाइक की प्राइस और इस बाइक की डिलीवरी को लेकर। तो स्टार्टिंग से मैं आपको इस बाइक के बारे में बता देता हूं। तो अब देखो गाइस, इस बाइक को बजाज एंड ट्रायम्फ ने मिलकर 233,000 यानी कि 233,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया। लेकिन लॉन्च के टाइम बजाज एंड ट्रायम्फ ने यहाँ पर लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश में यहाँ पर 10,000 का यार डिस्काउंट दे दिया इस बाइक के साथ। अब देखो गाइस, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन बजाज एंड ट्रायम्फ ने मिलकर ये अच्छी साजिश भी की है जिसके कारण लोगों का जो अट्रैक्शन है इस बाइक के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इसकी जो प्राइस थी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रखी थी। लेकिन साथ ही के साथ जो 10,000 का डिस्काउंट दे दिया गाइस, वो तो चेरी ऑन केक वाला सीन यहाँ पर हो चुका है। तो जिसके कारण गाइस लोगों में ये डाउट आ गया कि इसकी जो प्राइस है वो 233,000 है या फिर 223,000 है। तो 233,000 इसकी एक्चुअल प्राइस है। फिर वहाँ पर जो 10,000 का डिस्काउंट आपको दिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टिंग के पहले 10,000 कस्टमर्स होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बाइक देखी और इसकी जो बुकिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो आपने जैसे ही इसको बुक कर लिया यानी कि आप लोगों को जो वो 10,000 का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा अगर आप लोगों की जो बुकिंग है वो 10,000 कस्टमर्स के अंडर में है। अब जिन लोगों ने भी बुकिंग की है, मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 के ऊपर बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी इस बाइक की, तो उनको जो एक नंबर जो एक कस्टमर भी 10,000 के ऊपर आ गया है तो उसको ये डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, यानी कि उसके लिए जो एक्स शोरूम प्राइस होगी इस बाइक की वो पड़ेगी 233,000 यानी कि 233,000। बाकी जो पहले 10,000 कस्टमर्स हैं उनके लिए जो प्राइस है वो है 223,000। तो ये हो गया प्राइस को लेकर रिलेटेड क्वेश्चंस। अब जो सेकंड क्वेश्चन था इसकी डिलीवरी को लेकर, अब देखो गाइस जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मुंबई में मैंने शूट की थी इस वीडियो को, तो मुंबई में जो है बाइक्स आ चुकी है, जो डिलीवरी है वो इसी महीने यानी कि अगस्त 9 को स्टार्ट हो जाएगी इस बाइक की बुकिंग। जिन्होंने भी इस बाइक को पहले बुकिंग की थी तो उनको जो डिलीवरी है वो सबसे पहले मिलेगी, उसके बाद जो है वो कितना लिमिट पीरियड जा सकता है वो अभी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि गाइस इस बाइक की जो बुकिंग है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऑलमोस्ट जो 10,000 है बुकिंग वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुकी है, उसके ऊपर भी जो बुकिंग्स है वो एग्जैक्ट जो फिगर्स है वो अभी तक सामने नहीं आए, आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो डिलीवरी को लेकर जो क्वेश्चन आ रहे थे वो थे कि इस बाइक की मुंबई में तो देखो स्टार्ट हो चुकी है, तो दिल्ली, बेंगलोर, कर्नाटका और अदर स्टेट्स में जो है इस बाइक की जो डिलीवरी है और जो बुकिंग है वो कब तक हमें देखने मिलेगी। तो गाइस देखो, इसी महीने के एंडिंग से पहले पहले बाइक की जो टेस्ट राइड है और ये बाइक आपको शोरूम्स पर इसी महीने में देखने मिल जाएगी, सभी शोरूम्स पर आपको ये बाइक्स अवेलेबल करा दी जाएगी। मुंबई में करीबन 4 बाइक्स आई टेस्ट राइड के लिए। गाइस कैन यू इमेजिन, जहां पर अदर ब्रांड्स एक या मैक्स टू मैक्स 2 बाइक्स आपको टेस्ट राइड के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन यहां पर ट्रायम्फ वालों ने 4 गाड़ी सिर्फ टेस्ट राइड के लिए रखी है, ताकि जो कस्टमर्स है वो उन्हें यार तकलीफ ना हो, उन्हें वेट ना करना पड़े इस बाइक को चलाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई में ही करीबन 2000 बुकिंग इस बाइक की हो चुकी थी स्टार्टिंग की। तो इतने सारे कस्टमर्स को यार ये बाइक चलानी थी तो सबके लिए बाइक्स भी होनी चाहिए, तो 4 बाइक्स यहाँ पर आई थी। तो होप सो जो अदर स्टेट्स है दिल्ली इन सभी जगह पर भी आपको 4 या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा ही बाइक्स देखने मिले,
टेस्ट राइड के लिए। और वहीं बात करें इसके डिलीवरी के बारे में, तो डिलीवरी भी गाइस आपको देखो मुंबई में तो अब इसी महीने में स्टार्ट हो रही है। जो अदर स्टेट है फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के जो नज़दीक वाले स्टेट्स हैं वहाँ पर इस बाइक की जो डिलीवरी है वो भी आपको इसी महीने की एंडिंग से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो दूर है थोड़े फॉर एग्जांपल बेंगलोर वगैरह दिल्ली वगैरह, तो उनकी जो डिलीवरी है वो गाइस इस महीने के एंडिंग से पहले पहले होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो फॉर श्योर जो नेक्स्ट मंथ है उसमें इसकी जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब गाइस कौन से स्टेट में कौन कितनी ज़्यादा बुकिंग हुई है उसके फिगर्स अभी तक सामने नहीं आए। जहाँ पर ज़्यादा बुकिंग्स होगी गाइस वहीं पर इस बाइक की जो डिलीवरी है वो कंपनी वाले फटाफट प्रोवाइड करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ, जो कि बहुत से लोगों ने पूछा था कि ट्रायम्फ के शोरूम में ही क्या ये बाइक हमें मिलेगी, एक क्वेश्चन ये आया था। जी हाँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ ट्रायम्फ के शोरूम पर ही ये बाइक आपको देखने मिलेगी। बजाज का यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है, ना तो आपको बजाज की कोई ब्रांडिंग देखने मिलेगी इस बाइक में, ना ही शोरूम्स वगैरह पर कुछ आपको अलग से सेक्शन अलग से कोई सेक्शन बनाया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्प्लीटली ऐसा समझ के चलो बैक एंड में बजाज वाले खेल रहे हैं, बाकी फ्रंट एंड में यहाँ पर पूरा गेम ट्रायम्फ वालों का ही है। तो शोरूम्स ट्रायम्फ के शोरूम पर ही ये बाइक आपको मिलने वाली है। अब एक जो क्वेश्चन आया था गाइस, क्या स्पीड 400 में सर्विस को लेकर या कोई कस्टमर सर्विस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? तो गाइस नहीं, तो गाइस मैं आप लोगों को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता देता हूँ। तो जब मैं इस बाइक का शूट करने गया था मुंबई में, तो स्टार्टिंग में मैंने अपने शोरूम्स वालों को ये नहीं बताया था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रायम्फ के शोरूम पर जा रहा था, तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस था। तो मैं भी फील करना चाहता था कि इनका जो बिहेवियर है स्टाफ का वो कैसा है टूवर्ड्स दी कस्टमर। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप लोगों को सर्विस देने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपसे बिहेवियर करेंगे। और गाइस देखो, ट्रायम्फ का दाम जो है अब बजाज वालों के साथ जुड़ चुका है, तो बजाज वालों को यार अच्छे से पता है कि जो इंडियन ऑडियंस है उन्हें क्या चाहिए, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, तो वो सब उन्होंने आपस में शेयरिंग वगैरह की होगी। बजाज वालों से फीडबैक जो है ट्रायम्फ वालों ने डेफिनेटली लिए होंगे। इसके पहले गाइस जो भी हुआ होगा ट्रायम्फ वालों का, जो भी ट्रायम्फ वालों के शोरूम पर अगर आपका बैड एक्सपीरियंस भी रहा होगा, तो अब से वो आपको नहीं देखने मिलने वाला है, क्योंकि गाइस अब टाइम चेंज हो चुका है। उनका जो नाम है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, अभी आप लोग देख ही रहे होंगे हर जगह आपको ट्रायम्फ एंड बजाज की ये बाइक देखने मिल रही है। आगे इनके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले, ये तो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी थी गाइस, इसके बाद तो बहुत बड़े धमाके होने बाकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो एक क्वेश्चन गाइस ये आया था, कैन वी एक्सपेक्ट ट्रायम्फ स्पीड 250 नेक्स्ट ईयर और इन द फ्यूचर? तो इनका क्वेश्चन ये था कि ट्रायम्फ स्पीड 250 सीसी इंजन के साथ क्या हमें इस साल देखने मिल सकती है, या फिर भविष्य में ये बाइक हमें लॉन्च होते हुए दिख सकती है? तो यस गाइस, आपको 250 सीसी या फिर 200 सीसी के साथ बजाज एंड ट्रायम्फ के कॉलेब के साथ एक और बाइक देखने मिलेगी। अब 250 होगी, 200 होगी, या स्पीड नाम ही होगा, स्पीड ही नाम होगा इस बाइक का, ये अभी तक कुछ भी श्योरिटी नहीं है। हाँ, एक छोटी मोटी लीक्स अभी फिलहाल आई थी कि स्पीड 250 ट्रायम्फ एंड बजाज की नेक्स्ट बाइक हो सकती है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के लिए। तो इस बारे में हम लोग फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चले, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था इसके बाइक के सीट हाइट को लेकर, क्या 5.5 फीट वाले भी इजीली इस बाइक को राइड कर सकते हैं? यस गाइस, इजीली 5.5 वाले या 5.4 वाले भी मैं बोल सकता हूँ इजीली राइड कर सकते हैं। 5.4 फीट वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ट्रैफिक वगैरह में, बाकी 5.5 फीट वाले तो इजीली चला सकेंगे, और इसके ऊपर वाले हाइट वाले को तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, वो लोग तो भाई आग लगाएंगे इस बाइक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चले, तो एक क्वेश्चन गाइस ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ द वारंटी पीरियड फॉर फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स? इसका जो आंसर है वो सभी कस्टमर्स के लिए है, चाहे वो 10,000 कस्टमर्स हो या फिर जो 10,000 के ऊपर वाले कस्टमर्स हो, उनके लिए भी यही अप्लाई होने वाला है। तो इस बाइक की या फिर ट्रायम्फ की कोई भी बाइक आप लोग लेते हो तो उसके साथ आपको 2 साल की वारंटी देखने मिलती है। तो यहाँ पर 10,000 जो स्टार्टिंग वाले हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इस बाइक की बुकिंग के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो इसके लिए आप लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो आप लोगों को लेके जाना ही है। उसके अलावा आप लोगों को 2 एड्रेस प्रूफ लगेंगे और 1 ID प्रूफ आप लोगों को लगेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने साथ कैरी करके जाना, तो आप लोग इजीली इस बाइक को बुक कर सकोगे। ध्यान से सुन लो, 2 एड्रेस प्रूफ
और एक आईडी प्रूफ और पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दो चीज़ें आपको, तो टोटल ये चार पांच चीज़ें आप लोगों को अपने साथ कैरी करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, जो कि पूछा गया था विशाल शाह जी के तरफ से आई थिंक। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो होप सो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के मन में भी आए होंगे। तो इनका जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड एक्सेसरीज दैट आर इंक्लूडेड इन द एक्सशोरूम प्राइस इटसेल्फ। तो क्वेश्चन ये था कि एक्सशोरूम प्राइस के साथ ही इस बाइक में हमें क्या कुछ एक्सेसरीज देखने मिलेगी जिसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करने मिले। जो बाइक आप लोगों ने बुक की है उसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलेगी, सिंपल क्वेश्चन ये है। तो बाइक के साथ जो एक्सेसरीज आपको मिलने वाली है उसमें से फर्स्ट है रेडिएटर ग्रिल, सेकेंड है इंजिन गार्ड, तीसरा है सम गार्ड जो नीचे आपको मिलता है प्लास्टिक वाला, उसके बाद है हैंड ग्रिप, जो फिफ्थ वन है वो है बार एंड मिरर्स, जो राउंड मिरर्स आप लोग देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, इस तरह के जो मिरर्स है या ये भी आपको बाइक के साथ ही मिलने वाले हैं। और एक क्वेश्चन ये आया था कि प्राइस ऑफ ऑल द एक्सेसरीज, तो प्राइस के रिलेटेड यहाँ पर मैं स्क्रीन पर भी आपको शो कर देता हूँ, प्राइस को लेकर पूरा ब्रेकडाउन ही बता देता हूँ, तो आपको इस प्राइस के रिलेटेड जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इनका जो क्वेश्चन था कि प्राइस ऑफ ऑल द एक्सेसरीज, ठीक है, तो इस बाइक के साथ करीबन आपको 9 एक्सेसरीज देखने मिलती है, जिसमें से पहला है लोअर इंजिन बार, उसके बाद है सम गार्ड किट्स, उसके बाद है समर इंजिन बार्स, नी पैड, टैंक पैड, रेडिएटर गार्ड, मड गार्ड, एक्सटेंशन किट, मड स्प्लैश प्रोटेक्शन, और मड स्प्लैश प्रोटेक्शन दो है लेकिन की जो प्राइस है वो डिफरेंस है। तो जो लोअर इंजन बार है इसकी प्राइस आपको करीबन 2,400 के आसपास देखने मिलती है, सम गार्ड किट जो है उसकी प्राइस है करीबन 4,508, जो अपर इंजन बार है उसकी प्राइस है 1,037, जो नी पैड है उसकी प्राइस है 1,343, और जो टैंक पैड है उसकी प्राइस रखी गई है 331, जो रेडिएटर गार्ड है उसकी प्राइस आपको देखने मिलेगी 3,509, और जो मड गार्ड एक्सटेंशन किट है उसकी प्राइस आपको देखने मिलती है 356, जो मड स्प्लैट प्रोटेक्शन है एक जो है आपको देखने मिलता है उसकी प्राइस है 475, और जो मड स्प्लैट प्रोटेक्शन दूसरा वाला ऑप्शन है उसकी प्राइस आपको देखने मिलती है 491। तो टोटल मिलाकर जो एक्सेसरीज की आपको प्राइस देखने मिलती है फाइनल अमाउंट वो है करीबन 18,302 के आसपास। तो ये एग्जैक्ट फिगर्स है एक्सेसरीज की, और इसको मिलाकर इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस हो जाती है अगर आप लोग सारी एक्सेसरीज को इंक्लूड करते हो तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस आपको देखने मिलेगी वो है करीबन 318,375। अगर आप लोग इस एक्सेसरीज को नहीं लेते हो और जो बाइक्स के साथ आपको 5-6 एक्सेसरीज मिल रही है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो उसके अकॉर्डिंग इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस आपको देखने मिलेगी वो है 287,716। तो होप सो प्राइस को लेकर आप लोगों को अब से कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ये जो इमेज आप लोग देख रहे हो यहाँ पर तो उसको भी आप लोग देख लो। अगर ब्रेकडाउन करूँ तो फिलहाल मेरे पास मुंबई की प्राइस है, तो एक्स शोरूम प्राइस आप लोगों को पता ही 233,000 है, रोड टैक्स जो है वो है करीबन 28,519 के आसपास, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो 600 है, डिलीवरी एंड डॉक्यूमेंटेशन जो चार्जेस है वो है 1,500, जीएसटी जो लग रहा है वो है 31% के आसपास, जिसकी जो प्राइस है वो है 465, इंश्योरेंस जो है वो है करीबन 23,632 के आसपास। तो ऑन रोड प्राइस जो पड़ती है 287,716 के आसपास। इंश्योरेंस की जो प्राइस इंक्लूड हो रही है जीरो टैप वाली वो है करीबन 1,357, और एक्सेसरीज का जो पैकेज यानी कि ओवरऑल एक्सेसरीज की जो प्राइस आपको मिलने वाली है वो आपको मैंने बताया वो है करीबन 18,302 के आसपास। और जो PPF कोटिंग है अगर आप लोगों को कराना है तो उसकी जो प्राइस आपको पड़ेगी वो है 11,000 के आसपास। तो इन सब प्राइस को अगर मिलाकर इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ती है वो है 318,375 के आसपास। अगर आपको PPF वगैरह एक्सेसरीज पैक वगैरह नहीं चाहिए कुछ भी तो प्राइस जो है 287,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। तो होप सो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन भी विशाल जी के तरफ से ही पूछा गया है। फॉर दोज एलिजिबल फॉर 10K डिस्काउंट देयर एक्स शोरूम प्राइस विल बी 223,000 और 233,000 फॉर ऑन रोड प्राइस कैलकुलेशन। उनके लिए जो ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट की जाएगी वो 233,000 के हिसाब से ही की जाएगी, क्योंकि RTO वगैरह में एक ही अमाउंट गाइस भेजा जाता है,
तो इस बाइक की जो एक्चुअल एक्सशोरूम प्राइस है वो है 2,33,000। ओवरऑल प्राइस में आपको जो डिस्काउंट है वो 10,000 जो है माइनस होके मिलेगा। और इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन एक और पूछा गया था, आई वुड लाइक टू सीक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ रोड टैक्स, विल इट बी बेस्ड ऑन द एक्सशोरूम प्राइस ऑफ 2,23,000 और 2,33,000 फॉर द फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स। तो इनका ये क्वेश्चन था कि जो कैलकुलेशन है रोड टैक्स वगैरह का वो कौन सी प्राइस पे बेस्ड होगा। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, जो रोड टैक्स वगैरह है वो आपको 2,33,000 के अकॉर्डिंग ही बैठने वाला है, क्योंकि आरटीओ में जो है एक ही प्राइस जाती है गाइस, दो प्राइस नहीं जाएगी। तो ओवरऑल जो ऑन रोड आपको प्राइस पड़ेगी उसमें से 10,000 जो है वो आपके माइनस हो जाएंगे। टेक्निकली क्वेश्चन कुछ इस बाइक से रिलेटेड जो पूछे जा रहे थे कि जो ड्यूअल चैनल एबीएस है वो क्या स्विचेबल है, तो स्पीड 400 में नॉन स्विचेबल आपको एबीएस मिलता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इसकी जो पीछे वाली चेन है वो कौन सी है, तो इसमें एक्स रिंग वाली आपको चेन मिलती है, बाकी इसमें राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इसमें जो कंसोल है उसमें हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने मिलेगी या फिर नहीं, तो नहीं गाइस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या फिर 10x10 नेविगेशन आपको इस बाइक के साथ नहीं देखने मिलने वाला है। इसके अलावा इस बाइक में सारे फीचर्स आपको देखने मिलेंगे, इसके कंसोल में सारे इंडिकेशन आपको इसके कंसोल में देखने मिल जाएंगे, जितने भी एक नेसेसरी कंसोल में इंडिकेशन होने चाहिए वो सभी आपको इस बाइक में देखने मिलने वाले हैं। तो होप सो गाइस, मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में दे दिया है। के बाद भी अगर कुछ आपके मन में डाउट्स है इस बाइक से रिलेटेड कुछ भी हो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टा पर आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, वहां पर तो मैं इंस्टेंटली आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, क्योंकि वहां पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। इंस्टा आईडी जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक और शेयर करके जरूर जाना, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे पेज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।